भाई अब नारे किसने लिखे हैं ये तो इंक्वायरी का जांच का विषय है, ये काम पुलिस का है। जहां तक मेरा सवाल है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, उससे पहले नारा ये है कि ब्राह्मणवाद भारत छोड़ो। अब वो ब्राह्मण फैलाएं या कोई और फैलाए, ब्राह्मणों से इस देश को इतना नुकसान हुआ जितना अंग्रेजों और मुगलों से भी नहीं हुआ, तो ब्राह्मणों को भी ये विचार करने की जरूरत है कि क्यों लोग ऐसे नारे लगा रहे हैं। किसने लिखे होंगे ये नारे? ये तो जांच का विषय है, इसमें मैं कैसे बता सकता हूँ कि भाई, और खासकर ऐसे काम तो ब्राह्मण ही कर देते हैं अपने लिए लोकप्रिय होने के लिए, इस तरह के उल्टे सीधे नारे उनमें से भी लोग लगाते हैं। ये क्या ब्राह्मणों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है? निश्चित तौर पर ब्राह्मण पहले से भी यूनाइट है, ब्राह्मणों की यूनिटी कम कहाँ है। ब्राह्मण यूनाइट है तभी तो इस देश पे वो काबिज है। कौन सी संस्था ऐसी जिस पे ब्राह्मण काबिज नहीं है? तो उनका यूनाइट होने ना होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ऑलरेडी यूनाइट है। फिर भी यूनिटी को बनाए रखने के लिए वो अपने खिलाफ भी बयान दिलवाते हैं, अपने खिलाफ नारे लिखवाते हैं और उसका वो फ़ायदा अपनी यूनिटी के लिए उठाते हैं। जो शासक है जिसने लंबे समय तक शासन किया है वो क्यों छोड़ेगा? अगर एक जोक भी आपकी टांग को चिपट जाए जो खून चूसती है वो छोड़ती नहीं है, नमक डाल दोगे ना तब भी वह मुश्किल से छोड़ती है, तो उनका छोड़ने का सवाल ही नहीं, आपको ही पीछे छुटाना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन हमारे देश में लाखों करोड़ों दलित हैं जो बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, वो अपने घर बार छोड़ के दिल्ली जाते हैं रोजी रोटी के लिए। उनके लिए कभी कोई ऐसी खबरें नहीं आती है कि दलितों ने गांव छोड़ दिए, शहर छोड़ दिए, खेत खलिहान छोड़ दिए, वो ब्राह्मणों के लिए नारे लिखे गए तो मेनस्ट्रीम मीडिया में खबरें चल गई हैं। ये खबरें जो चलती हैं, देखिए भाई, जिनका मीडिया नहीं उनकी आवाज़ नहीं, जिनकी शासन सत्ता नहीं जिनकी सरकारें नहीं उनका किसी को दर्द नहीं पता। तो दलित जो कुत्ते बिल्ली की यहाँ गिनती होती है, भेड़ बकरियों की गिनती होती है, एक ऐसा समाज जिसको समाज ही व्यक्ति नहीं माना गया, इंसान नहीं माना गया, उनका दर्द किसी का दर्द नहीं हो सकता, तो क्यों कोई आवाज़ उठाएगा, क्यों अखबारें लिखेंगे? आप बताइए, ब्राह्मण यहाँ समाज व्यवस्था में अपने आप को उसने उत्कृष्ट ऊंचे पायदान पर बना के रखा हुआ है, उनको यदि चोट लगे मोच भी हो जाए तो भी जो है मीडिया भी और तमाम तरह से हल्ले मचने लग जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दलितों की आवाज़, जब दलित खुद अपनी आवाज़ नहीं बन पा रहे हैं तो उनकी आवाज़ और कोई क्यों बनेगा? सर आप 85% तो कहते हो लेकिन 6743 का ध्यान नहीं करते हो। 85 को आप 6743 टुकड़ों में तोड़ दो और 15 को एक साथ रख दो। सारा देश ये कह रहा है कि अभी हिंदू राष्ट्र बन रहा है, उसके बावजूद भी हिंदू विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं देश। हिंदू, देखिए हिंदू विरोधी नारे और हिंदू राष्ट्र बनना ये उसी प्रोपोगंडा का पार्ट है जो इस देश में आपकी जो समता, समानता, मैत्री, भाई करुणा, भाईचारे की जो आवाज़ है उसको रोकने के लिए, और जो 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 युवा है जो रोजगार मांग रहा है उससे उसका ध्यान भटकाने के लिए, ये जब ये मुद्दे आते हैं तब तब इस तरह के जो मुद्दे, जो फाजिल मुद्दे हैं वो उठने लग जाते हैं, चाहे वो नारे लिखने का मुद्दा हो या कोई दूसरा मुद्दा हो। ये गैर जरूरी मुद्दे हैं, इनके बजाय मीडिया को फोकस करना चाहिए कि कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सरकार बना रही है, रोजगार कितने इनको मिला और कितने लोग रोजगार की लाइन में हैं, ये मुद्दे उठाने चाहिए। जो मुद्दे भाई नारा लिखा किसी ने लिख दिया होगा जांच के विषय, इसको यदि पकड़ करके मीडिया बैठ जाती है तो इसका मतलब है कि मीडिया ही उस मुद्दे को सुप्रीम मानती है, उसको बढ़िया मानती है। 2010 में एक कांड हुआ था, मिर्चपुर कांड, वहाँ पर दलित जो है बाप बेटी को जिंदा जला दिया गया था जातिवादी गुंडों के द्वारा। उस गांव से 10 साल बाद भी जो है जो दलित हैं वो गांव में नहीं बस पाए हैं, उन्होंने पलायन कर लिया, वो गांव में नहीं गए हैं, वो गांव छोड़ दिए हैं, और यहाँ ब्राह्मण छोड़ने की बात होती है बड़े पैमाने पर, उनकी बात कोई नहीं करता इस मीडिया में। भाई हमने एक ही बार जो आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, आप समझते क्यों नहीं हो, जिनका मीडिया नहीं है उनकी आवाज़ कौन उठाएगा भाई? जिनके अफसर अधिकारी नहीं, जिनके वकील नहीं, जिनके पत्रकार नहीं है, जिनके अपना जो ब्यूरोक्रेसी में जिनका कोई स्थान नहीं, जुडिशरी में जिनका कोई स्थान नहीं, उनका कौन आवाज़ उठाएगा भाई? लेकिन 170 दलित सांसद तो हैं और 1000 करीब विधायक हैं आपके पूरे देश में। आप जो है भूल गए पूना पैक्ट को। पूना पैक्ट में गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी से जो सेपरेट इलेक्टोरेट को छीन लिया और जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसको उसी समय जीरो कर दिया। आज 131 135 ना होकर के 200 भी सांसद हो जाएं, वो सांसद नहीं हो सकते, वो हमारी फ्री आवाज़, फ्री वॉइस नहीं हो सकते, रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते, वो केवल और केवल वो
वो जैसे कोई पालतू कुत्ता होता है उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, वो उस पॉलिटिकल पार्टी की आवाज़ होते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में वो बात करते हैं जिसके द्वारा उनको टिकट मिलता है, जिसके द्वारा वो चुनाव जीत करके सदन में पहुंचते हैं। लेकिन जेएनयू में ही हमेशा ऐसे नारे क्यों दिए जाते हैं देशद्रोही? जेएनयू भारत का नंबर वन संस्थान रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जेएनयू ने अब से पहले देश को सर्वाधिक ब्यूरोक्रेट दिए हैं, सबसे ज़्यादा आईएएस पीसीएस जो सिलेक्ट होने का जो रिकॉर्ड रहा है वो जेएनयू से रहा है। जेएनयू स्कॉलर देता है और जेएनयू भारत की एवरेज यूनिवर्सिटियों से 50 साल आगे चलता है, बौद्धिक संस्थान है। और देश विरोधी नारे भी यहीं लगाए जाते हैं। देश विरोधी नारे किसने लगाए, क्यों लगाए, आज तक तो एक भी प्रूव हुआ नहीं। अभी तक जो उमर खालिद वाला मुद्दा है या कन्हैया कुमार वाले मुद्दे हैं, तमाम सारे मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं, उनमें एक में भी कोई वेरीफाई नहीं हो पाया। इतनी बड़ा राजनीति का केंद्र माना जाता है जो जेएनयू को, लेकिन वहाँ से कन्हैया कुमार निकल के आ जाते हैं नेता बन करके। बाबा साहब के नाम पर राजनीति होती है, दलितों के नाम पर राजनीति होती है, लेकिन कोई भी दलित युवा नेता वहाँ से निखर कर नहीं आया अभी तक। भाई देखिए, आप कन्हैया कुमार की बात करोगे, मैं फिर वही कह रहा हूँ, कन्हैया कुमार हो तो वो राइट लेफ्ट से निकल करके आज कांग्रेस में है। भाई जो दलित युवा नहीं निकलते हैं तो जिन प्लेटफॉर्म से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, दलित युवाओं को वो वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। दलित का लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं है। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो दलितों की कोई भी एक इंडिपेंडेंट आवाज़ आपको देखने को नहीं मिलती। तो जब आपका प्लेटफॉर्म ही नहीं है, दलित युवाओं को सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म खड़े करने चाहिए। बापसा तो है जेएनयू में, बापसा है, बापसा को सपोर्ट करना चाहिए, बापसा के साथ में लोगों को जुड़ना और जोड़ना चाहिए। बापसा के माध्यम से ही कोई दलित स्टूडेंट जो है वो जेएनयू का या किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन सकता है। आप चाहो कि भाई जो इन्होंने जो संगठन बना रखे हैं, चाहे वो जो है बीजेपी का एक एबीपी है, कांग्रेस का एनएसयूआई है, या और दूसरे लेफ्ट राइट के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप को स्टूडेंट के ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो सवर्ण स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उनमें कोई भी जो है वो स्टूडेंट, केवल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कहना वो अन्याय होगा। बाबा साहब की बात तो केजरीवाल भी कर रहा है, झाड़ू फेर रहा तुम्हारे अरमानों पे। बाबा साहब की बात तो भाई हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री भी बाबा साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में वो कर क्या रहे हैं? बाबा साहब की बात करना, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन वकील साहब, हमारे देश में भुखमरी बहुत ज़्यादा है, जातिवाद बहुत ज़्यादा है, ब्राह्मणवाद बहुत ज़्यादा है, मनुवाद बहुत ज़्यादा है, करप्शन छोड़ने की बात नहीं करते हैं, जातिवाद छोड़ने की बात नहीं करते हैं हमारे देश में लोग, भुखमरी भी छोड़ने की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो है ब्राह्मण छोड़ने की बात करते हैं। ये बात किन से करवाना चाह रहे हो? कौन करेंगे इन बातों को? इस बात को कौन करेगा, कौन कहेगा? जिसके साथ अन्याय अत्याचार होता है उसको दर्द पता होता है, जिनके साथ में ये सब नहीं हो रहा उनको ये पता नहीं है। दूसरी बात, भारत में जो पिछड़ी जातियाँ हैं या अनुसूचित जातियों में भी जहाँ बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है, उनको अपने अधिकारों की भी अभी तक पूरी तरीके से समझ नहीं हो पाई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अभी समझा नहीं गया है, और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोअर हैं वो इस मामले में फेल रहे हैं बाबा साहब को लोगों तक पहुँचाने में।